इनका नाम दिनेश पुणे में। भैया आप ये बताइए, आपके भाई का नाम क्या है? सनु पुणे। अच्छा, पुलिस एक तरफ दावा कर रही है कि भैया उसका नाम रितेश पुणे में और 3 लाख का इनामी नक्सली है, क्या कुछ बात है थोड़ा स्पष्ट बताइए आप, नक्सली है वो? नहीं, पहली बात तो सनु पुणे नक्सली है ही नहीं, वो खेती किसान का बेटा और किसान है। कई मामले अब तक लगातार हुए हैं और ऐसे ही आम आदिवासी ग्रामीणों को पुलिस मुठभेड़ में मारकर नक्सली घोषित कर देता है। जिसमें पुलिस का दावा था कि 3 लाख से जो इनामी नक्सली है रितेश को मार गिराने का दावा किया। दादा उस दिन क्या हुआ थोड़ा बताएंगे आप हमको, क्या हुआ था उस दिन जब 11 तारीख को किस किस को उठा के ले गए? और वो पुणे सनु को पहले उठा के, उसके बाद कोर्स सनु को उठा के ले गए। और मैं भाग रहा था डर के बारे से, दूर ले जाके मार के वहाँ से उठा के ले गए। उसके बाद ओ मंगू को, कोरसा मंगू को पकड़े। ओके उसके बाद मंगू को भी पीटे है वहाँ पकड़ने के बाद, वो भी भाग गया था। कहाँ से पकड़े आप लोग, कौन से गांव से पकड़े? हाँ मुसला में। मुसला में पकड़े, मुसला कहता में? हाँ मुसला में। अच्छा मुसला में पकड़े। कितने बजे पकड़ के ले गए? ओ से 5:30 बजे उसको सनू को पकड़े। उसके बाद 6 बजे मेरे को पकड़े। अच्छा, पूरा लेदा करके 6 बजे पूरे जन को पकड़े। अच्छा ये बताओ, पुलिस दावा कर रही है कि उनके पास से हथियार मिला है, ऐसा कुछ है? नहीं है। खुद कोई हथियार था? नहीं है, कुछ नहीं है। एक हाथ में कुछ ना, हम लोग पकड़ने नहीं है, वहाँ तीर नहीं है ना। तो कुल मिला आप लोग भी अपना जान बचाए, अगर आप उनके हाथ में लगते तो आपको भी कहीं ना कहीं मार देते। मार देते ना, मार देते। मतलब यहाँ से बाल बच्चे को लेके वहाँ पूरा पगली झाकी गिर गया होगा, इसलिए वापस कर दिए, नहीं तो हम लोग को भी मारने वाले थे। ऐसा बिल्कुल ये थे, मतलब वो भी पुलिस लोग ठीक है, आते हैं गांव में, वो सुरक्षा आप लोगों के लिए थोड़ा याद करना, मतलब घर में रहने वाले को बगा बगा। रितेश पुणे बताया जा रहा है नक्सलियों का पुलिस की तरफ से, हालांकि उसका नाम सन्नू पुणे है। हम पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे, उनके भाई साहब है, उनका भाई का नाम दिनेश पुणे में, आप आइए भैया, इनका नाम दिनेश पुणे में। भैया आप ये बताइए, आपके भाई का नाम क्या है? सन्नू पुणे। अच्छा, पुलिस एक तरफ दावा कर रही है कि भैया उसका नाम रितेश पुणे में और 3 लाख का इनामी नक्सली है, क्या कुछ बात है थोड़ा स्पष्ट बताइए आप, नक्सली है वो? नहीं। अच्छा तो क्या चाहते हो आप लोग, क्या मांगे आप लोग उनका? हम लोग का वही जितना केस कुछ है वो वाला कागज चाहिए। आज से कितने दिन हो गए डेड बॉडी को अध्यक्ष करना करेंगे? 3 दिनों। 3 दिनों ऐसे ही रखे हैं जी। अच्छा, अब बिल्कुल ये थे उनके भाई, लेकिन अब आपको हम उनसे बात कराएंगे जो सोनी सोरी जो है लगातार इन आदिवासियों की एक बुलंद आवाज बनकर हमेशा खड़े होते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है और क्या वास्तविकता है। मैडम आप बताइए, जिस तरह से पुलिस एक तरफ दावा कर रही है कि वो नक्सली है, क्या कुछ बात है थोड़ा बताएंगे आप? पहली बात तो सनु पुणे नक्सली है ही नहीं, वो खेती किसान का बेटा और किसान है। अगर सलवा जुड़म के समय अगर अपने बचाव के लिए माओवादी का शरण ले लिया तो नक्सलवाद नहीं हो सकता। और वैसे भी वो माओवादी के पास था नहीं था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। पुलिस कह रही कि माओवादी है, वो पुलिस के कहने से नहीं होगा, कोर्ट ने तय नहीं किया माओवादी था या नहीं था। पर मेरा भाई सनु पुणे के किसान है। मैडम अक्सर बाद से लगातार माहौल गरमाया हुआ था। उसके बाद जब मुठभेड़ होता है अक्सर परिजनों को डेड बॉडी सौंपा जाता है, उसके बाद शिनाख्त हुआ था, उसके बाद रितेश पुणे को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। उसके बाद से लगातार परिजन ये आरोप लगा रहे हैं
कि रितेश पूनम 10 महीने पहले ही नक्सल संगठन को अलविदा कर गया था, उसके बाद से अपने परिवार वालों के साथ कुशल मंगल रह रहा था। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे कई मामले अब तक लगातार हुए हैं और ऐसे ही आम आदिवासी ग्रामीणों को पुलिस मुठभेड़ में मारकर नक्सली घोषित कर देता है। अब देख सकते हैं इस वक्त हम किकलेर में हैं, किकलेर में उसको लेकर आया गया और आप देख सकते हैं पूरी तरह से उनके परिजनों में आंखों में पूरा आंसू भरा हुआ है, लगातार रो रहे हैं और लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको न्याय मिले। और इस तरह के जो घटना होते हैं लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा आरोप लगाते हैं कि इस तरह का आरोप ना लगा। ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन चाहिए तो चुने कौशल एकेडमी, यहाँ आपको मिलती है वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, गुड लर्निंग एटमॉस्फेयर और हर वो फैसिलिटी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में मदद करती है। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्वेरीज कॉल 7529060606।